नमस्कार, स्वागत है आपका। लाइफस्टाइल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिल्पी। और आज के बदलते लाइफस्टाइल की बात करें तो बिजी शेड्यूल के चलते अक्सर हम में से ज्यादातर लोग न्यूट्रिशियस खाना नहीं खा पाते। कोई जंक फूड खाने का आदि हो जाता है तो कोई तेल मिर्च मसाले से भरा, जिसके चलते कई बार आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं और इन्हीं टॉक्सिन्स से हमें अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाती हैं। और ऐसे में डॉक्टर्स का ये मानना है कि अपनी बॉडी को अगर आप टाइमली डिटॉक्सिफाई करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए, जो हम जूसेस के जरिए कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि डेली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से बने जूस को पीने से बॉडी हेल्दी रहती है और शरीर में जमा होने वाले टॉक्सिन से बची रहती है। तो आज के इस शो में हम आपको बताएंगे कि कौन से जूसेस आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। शुरू करते हैं सफर। तो जूसेस से कैसे आप अपने आप को हेल्दी और फिट रख सकते हैं, इस पर हम जानकारी लेते हैं। और ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राशि गर्ग। स्वागत है राशि आपका शो पर। गुड मॉर्निंग। और अपने दर्शकों को बता दें, अगर आपका भी हेल्थ रिलेटेड कोई सवाल है तो स्क्रीन पर हम कुछ नंबर्स दिखाने जा रहे हैं, आप हमसे इन नंबर्स के जरिए संपर्क कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं 01202511063। और दूसरा नंबर टोल फ्री है 1800180-1525। तो आज बात करने जा रहे हैं हम लाइफस्टाइल में कि आप जूसेस से कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं। डॉक्टर राशि, वैसे तो ये कहा जाता है कि फ्रूट्स अक्सर हमें फ्रेश खाने चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स जितने ज्यादा हेल्दी रहते हैं बॉडी के लिए। जूसेस से ज्यादा फ्रूट्स का ऑप्शन अक्सर हमने सुना है कि आपको अगर अपने आप को फिट रखना है, हेल्दी रखना है, तो जूसेस से ज्यादा फ्रूट्स लीजिए। तो अगर बात जूसेस की करें, क्या फ्रूट से ज्यादा अच्छा ऑप्शन जूसेस रहते हैं, और अगर ऐसा है तो ये किस तरह से हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है? देखिए, अगर हम ये बात करें कि डेली में हमको फ्रूट्स लेने चाहिए या जूस लेने चाहिए, तो डेफिनेटली होल फ्रूट इज ऑलवेज अ गुड ऑप्शन, क्योंकि इसमें हमें रफेज, फाइबर कंटेंट सब कुछ सही मात्रा में मिल जाता है। जबकि जूसेस में, जो आजकल लोग जूसेस लेते हैं, उसमें रफेज कंटेंट जो है वो काफी मात्रा में निकल चुका होता है। तो अगर हम डेली बेसिस पे बात करें तो यस, फ्रूट्स आर अ वेरी गुड ऑप्शन। बट अगर हम ये देखें कि फ्रूट्स हम एक लिमिटेड अमाउंट में खा सकते हैं, आप सब जूसेस जो होते हैं आप फ्रूट्स के भी और वेजिटेबल्स दोनों तरीके से ले सकते हैं। लेकिन अगर हम खाने पे आए तो आप फ्रूट्स तो कच्चे खा सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल्स कच्चे खाना एक थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। तो वेजिटेबल्स को भी अगर हम जूसेस के फॉर्म में लें डेली बेसिस पे या डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, तो वो बहुत अच्छी तरह से बेनिफिशियल साबित होते हैं। जी, तो और ये डिटॉक्सिफाई दरअसल होता कैसे है? अगर जूसेस को के लिए हम कहते हैं कि जूसेस अगर हम लेते रहते हैं तो हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती रहती है, किस तरह से डिटॉक्सिफायर का काम करते हैं जूसेस? देखिए, अगर डेली बेसिस पे हम जूसेस लेते हैं तो वो आपको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। अगर हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है तो हमें एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना होता है, जिसमें हम तीन दिन से लेकर एक हफ्ते तक हम सिर्फ जूस डाइट पे रहते हैं। और जब हम सिर्फ जूस डाइट पे रहेंगे तो जितने भी एसेंशियल विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो तो हमारी बॉडी को मिलेंगे ही, लेकिन जो साथ में उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे जूसेस में, और मल्टीपल विटामिन्स बी सी ए जो प्रेजेंट होते हैं, वो हमारी बॉडी के जो सिस्टम्स हैं उनको क्लीन करते हैं और साथ में डिटॉक्सिफाई करते हैं, इम्यूनिटी आपकी बढ़ाते हैं, और बहुत सारी जो बीमारियां हैं और जो आपके ऑर्गन्स हैं उन पर जो लोड बढ़ जाता है आजकल के जो चल रहा है, जैसे प्रदूषण की वजह से, जो आप खान पान है हमारा डाइट की वजह से, तो उसको हटाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं जूसेस। जी, तो एक तरह से आपकी पूरी बॉडी को जो है वो डिटॉक्सिफाई कर देते हैं। डॉक्टर राशि, क्या ऐसा भी होता है कि जो लोग डायबिटिक हैं या जिनका शुगर की जिनको प्रॉब्लम है, उनके लिए भी जूसेस क्या रिकमेंडेड होते हैं, या फिर उन्हें कुछ पर्टिकुलर जूसेस ही लेने होते हैं? पूरी तरह से मैं ये नहीं कहूंगी कि वो कम्प्लीटली एक जूस डिटॉक्सिफाइंग डाइट पे जा सकते हैं, उनको कंसल्ट करना पड़ेगा अपने हेल्थ प्रैक्टिशनर को पहले, अगर जूस डाइट पे जाने से पहले। लेकिन हाँ, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए कई जूसेस हैं जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हैं। वो सारे जूसेस तो नहीं ले सकते हैं, बिकॉज कई जूसेस में बहुत ज्यादा शुगर लेडन होते हैं, बहुत ज्यादा शुगर कंटेंट होता है। लेकिन जैसे करेले का जूस हो गया, गाजर का जूस हो गया, और एप्पल का जूस हो गया, ग्रीन एप्पल स्पेशली, वो उन लोगों के लिए, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है।
तो कौन कौन से जूसेस ऐसे हैं डॉक्टर आशीष जो हम ले सकते हैं, और अगर हम इसके अब हेल्थ बेनिफिट समझने की कोशिश करें तो वो क्या रहते हैं? क्या ये पूरी मील की जगह लिया जा सकता है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो है वो जूस फास्ट भी करते हैं? जी बिल्कुल, जैसे अगर हम देखें करेले का जूस जो हम मॉर्निंग में लेते हैं, लेमन जूस हम मॉर्निंग में ले सकते हैं एम्प्टी स्टमक अगर हम ले तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स, आंवले का जूस जो होता है वो सुबह एम्प्टी स्टमक लिया जाए तो हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा बढ़िया होते हैं। साथ में अगर पूरे दिन में आपको लेना है तो आप मिक्स फ्रूट जूसेस, मिक्स फ्रूट प्लस वेजिटेबल जूसेस, ग्रीन जूसेस ले सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आपको कम्प्लीटली फ्रूट जूस डाइट पे ही जाना पड़ेगा, जो कि हम 3 दिन से लेकर 1 हफ्ता तक की हम करते हैं। बट उसमें भी लिमिटेशन होती हैं कि जिनको कोई हेल्थ कंडीशन है, जो कोई बहुत मेडिकेशन पे है, जिनकी सर्जरी हुई है, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन, उनको इस डाइट पे नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, तो अपनी हेल्थ का ध्यान बिल्कुल रखना जरूरी है। अगर आपके साथ कुछ ना कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है तो ये नहीं है कि आप जो है डाइटिंग का एक अच्छा ऑप्शन समझकर अपने आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के चक्कर में कहीं अनहेल्दी या फिर किसी न तरह की प्रॉब्लम में ना फंस जाएं। जूस फास्ट जो होता है डॉक्टर राशि, और अगर कुछ लोग खासतौर से जो डाइटिंग कर रही होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, उनको क्या जूस फास्ट करते रहना चाहिए, और अगर वीक में वो कुछ दिनों तक करते रहना चाहिए या फिर किसी एक दिन में कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है? क्योंकि वैसे कहा जाता है कि आपका ब्रेकफास्ट अच्छा होना चाहिए, आपका लंच सही होना चाहिए, डिनर चाहे फिर भी लाइट करें। तो अगर हमें जूसेस को की ओर रुख करना है तो इन्हें हमें वक्त कर देना होगा, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में या फिर नाइट में? देखिए, अगर आप कम्प्लीटली डिटॉक्सिफिकेशन पे जा रहे हैं तो आप हफ्ते में 3 दिन के लिए, नॉट रेगुलर, साल में 2 बारी 3 दिन से लेकर 1 हफ्ते के लिए आप जूस डाइट पे जा सकती हैं, डिपेंडिंग कि आपकी बॉडी कितना इस चीज को एक्सेप्ट करती है। बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, कई लोग बहुत इजीली 1 हफ्ते तक कर पाते हैं, कई लोग 2-3 दिन में ही उसके उनको थोड़े से इफेक्ट्स की लिथार्जीनेस, थोड़ा सा हेडेक्स वगैरह की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। तो 3 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक आप जूस डाइट पे जा सकते हैं, लेकिन बहुत फ्रीक्वेंट जूस डाइट डिटॉक्सिफिकेशन पे नहीं जाना चाहिए, बिकॉज आपका जो डेली रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की वो थोड़ी सी सफर करती है, क्योंकि आपको कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी लेवल चाहिए, तो आप कम्प्लीटली पूरे 1 महीने के लिए जूस डाइट पे नहीं जा सकते हैं। साल में 2 बारी करिए, 3 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक करिए, उसके बेनिफिट्स आपको पूरी तरह से डिटॉक्सिफिकेशन के मिल जाएंगे। जी, यानी कि अब मान लीजिए डॉक्टर राशि, अगर मिनिमम 3 दिनों के लिए हमने जूस डाइट करनी है, और उस दौरान फिर कौन कौन से ऐसे जूसेस हैं जो हमें लेने होंगे, यानी कि अगर हम सुबह से शुरुआत करें और रात तक जो हमें जूसेस लेने होंगे वो कौन कौन से रहेंगे? देखिए, सुबह उठते ही सबसे पहले तो आप करेले का जूस ले सकते हैं, 1 या 2 करेले का जूस, जो कि 3 से 4 टीस्पून निकलता है, उसको ले सकते हैं। साथ में उसमें आप थोड़ा सा नींबू का जूस मिलाकर साथ में ले, थोड़ा शहद मिला लें उसकी कड़वाहट को कम करने के लिए, तो बहुत ज्यादा हेल्थी रहता है ये आपके लिए। अभी सर्दी का मौसम है तो सुबह सुबह आप प्री ब्रेकफास्ट आप आंवले का जूस, 2 से 3 आंवले का जूस साथ में शहद मिला के लेंगे तो आपको ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है, साथ में आपकी जो कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम है, जो ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, उसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हेल्थ करता है। जी, और दूसरा हम सुबह नींबू पानी ले सकते हैं, ल्यूक वार्म वाटर में आप 1 या 2 नींबू डाल के पीजिए, बहुत अच्छी तरह से डिटॉक्सिफाई करेगा, आपके विटामिन सी लेवल्स जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट है उसको बहुत अच्छी तरह से पूरा करता है। बात करें हम ब्रेकफास्ट में, ब्रेकफास्ट में आप ले ग्रीन जूसेस। ग्रीन जूसेस का मतलब है कि जो वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे स्पिनच हो गया, ठीक है, आपकी मेथी हो गई जी, साथ में आपका सेलेरी हो गया, कैबेज हो गया, ठीक है, आपका मिंट लीव्स हो गई, उन सब का जूसेस मिला के साथ में थोड़ा सा आंवला डाल लीजिए, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा गाजर डाल लेंगे तो भी एक आपका ब्रेकफास्ट के लिए जो जूस होता है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छी तरह हेल्प करेगा। लंच के टाइम पे आप फ्रूट जूस ले सकते हैं, जैसे एप्पल हो गया, एप्पल के साथ आप कोकोनट वाटर या बीट रूट एंड कैरेट मिलाकर लेंगे, अगेन इट्स वेरी गुड हेल्दी। बीच में अगर आपको भूख लगती है, वैसे तो ना खाएं तो बेटर रहता है डिटॉक्सिफिकेशन में, लेकिन अगर बहुत ज्यादा भूख लग रही है, थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं हो पाती है कई लोगों से भूख, तो उस समय आप थोड़ी सी असॉर्टेड वेजिटेबल्स, मतलब जितनी भी आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनको थोड़ा सा सॉटे करके, थोड़ा सा बॉयल करके आप उसको ले सकते हैं, उनका थोड़ा सा सूप पी सकते हैं। साथ में ब्राउन राइस का सेवन आप कर सकते हैं इसके दौरान। डिनर में अगेन यू कैन गो फॉर ग्रीन जूसेस के लिए आप जा सकते हैं, या फ्रूट जूसेस के लिए मिक्स आप जा सकते हैं। जी, चलिए हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। हमारे साथ दर्शक भी फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं, कॉलर आए हैं, अक्षय हमारे साथ नोएडा से हैं ये दर्शक। अक्षय बताएं क्या सवाल करना चाह रहे हैं आप। हेलो मैम, मोटापा कम करने के लिए कौन से जूसेस सही रहते हैं?
हाँ जी अक्षय जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मोटापा कम करने के लिए देखिए करेले का जूस बहुत अच्छा है, साथ में अगर आप नींबू सुबह लें हल्के गर्म गुनगुने पानी में, तो वो आपको आपका जो बॉडी फैट है उसको बर्न करने में बहुत ज्यादा लाभदायक रहता है। बाकी आप सुबह अगर मिंट लीव साथ में थोड़ा सा टमाटर और गाजर साथ में ले, तो स्किन के साथ साथ मोटापा आपकी जो फैट्स हैं उसको बर्न करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है जी। और अगर बात करें कंप्रेस जूसेस की डॉक्टर राशि, आजकल कंप्रेस जूसेस का भी ट्रेंड है और ऐसा माना जाता है कि वो दरअसल नॉर्मल मार्केट में अवेलेबल जूसेस के कंपैरिजन में ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, क्या होते हैं दरअसल ये, इनके बेनिफिट्स क्या रहते हैं? जी बिल्कुल, आजकल ये ट्रेंड चला है कंप्रेस जूसेस का, ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, इनमें वाइटामिन और मिनरल कंटेंट जो होता है वो ज्यादा मात्रा में होता है एज कम्पेयर टू जो हमारे कन्वेंशनल जूसेस हम निकालते हैं, और इसके अंदर फाइबर कंटेंट भी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि जो हम डेली बेसिस पर अपने जूस निकालते हैं उसका मैक्सिमम फाइबर जो होता है वो मशीन से निकल जाता है। साथ ही साथ जो कन्वेंशनल जूसेस हम निकालते हैं उसमें ब्लेड के थ्रू वो निकलते हैं, कटिंग माइन्यूट कटिंग के थ्रू, तो उसमें हीट प्रोड्यूस प्रोडक्शन की वजह से जो आपका एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और वाइटामिन्स हैं वो काफी मात्रा तक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन कंप्रेस जूसेस जो होते हैं वो आप वेजिटेबल्स या फ्रूट को दबाकर उनका जूस निकाला जाता है, कोई हीट प्रोडक्शन नहीं है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइबर वाइटामिन्स एंड मिनरल्स जो होते हैं आपके उन जूसेस में पाए जाते हैं, तो ये डेफिनेटली एट अ हायर पोजिशन है जो आपके डेली रूटीन में आप जूसेस निकाल के पीते हैं जी। तो आज लाइफस्टाइल में बात हो रही है हेल्दी रहने के लिए किस तरह से जूसेस आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रह सकते हैं, और डॉक्टर राशि बनी हुई है हमारे साथ स्टूडियो में। चलिए अब हम डॉक्टर राशि से जान लेते हैं कुछ ऐसे जूसेस के बारे में जो इस मौसम में लोग आसानी से बना सकते हैं और उनके हेल्दी रहने के लिए उनके लिए काफी फायदेमंद भी है। सबसे पहले ऐसा कौन सा जूस डॉक्टर राशि बताएंगे आप? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा करेले के जूस की। करेले का जूस बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में आयरन, बीटा कैरोटीन जिसे हम कहते हैं विटामिन ए, और कैल्शियम बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है जो कि हमें ब्रोकली और स्पिनच में भी इतने अमाउंट में विटामिन ए और कैरोटीन नहीं मिलेगा, कैल्शियम नहीं मिलेगा जितना हमें करेले के जूस में मिलता है जो कि ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। साथ ही साथ ये जो जूस होता है ये आपकी जो ब्लड की प्रॉब्लम्स होती हैं इसको हील करने में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। कई लोगों को हमने देखा होगा कि ब्लड बॉयल्स की प्रॉब्लम होती है, साथ में कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है बॉडी के अंदर, उस चीज को ब्लड प्यूरिफायर की तरह ये जूस काम करता है बेसिकली। सेकेंडली जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको ये जूस बहुत फायदेमंद रहता है, सुबह सुबह ये करेले का जूस एक या दो करेले का जूस निकाल के पिएं तो ये ब्लड शुगर लेवल्स को और जो यूरिन में शुगर लेवल्स हैं उनको लोअर डाउन करता है और इंसुलिन लेवल भी बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं बढ़ाता है। तीसरा हम देखें इसका हेल्थ बेनिफिट, तो जो पाइल्स के पेशेंट हैं उनको सुबह सुबह या करेले का जूस बिल्कुल लेना चाहिए क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है, और जो पाइल्स की प्रॉब्लम है अगर छात के साथ हम ये करेले का जूस लें सुबह सुबह खाली पेट, तो ये पाइल्स की प्रॉब्लम में भी करीबन एक महीने तक लेने पे बहुत ज्यादा लाभदायक रहता है जी। दूसरा जूस अगर हम देखें, हम बात करते हैं गाजर और चुकंदर के जूस की। गाजर और चुकंदर का जो जूस होता है हमारा उसके अंदर अगेन विटामिन ए, B1, B2, कैरेटेनॉइड्स जैसे और कैल्शियम लेवल्स, मैग्नीशियम और फास्फोरस बहुत ज्यादा अच्छे अमाउंट में होते हैं, साथ में रफेज कंटेंट इतना बढ़िया होता है इसके अंदर कि अगेन ये आपकी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करेगा जी। गाजर हम सब जानते होंगे कि मम्मी पापा सब बच्चों के कहते हैं कि गाजर खाओगे तो आंखें हेल्दी रहेंगी जी। तो ये आपकी नाइट ब्लाइंडनेस को, ग्लूकोमा की कंडीशंस को बहुत हद तक दूर करता है अगर डेली गाजर के जूस का और बीट रूट के जूस का सेवन करा जाए तो। साथ में ये पाइल्स की एस्थमा की कंप्लेंट्स को भी रिमूव करता है और आपकी स्किन को बहुत ज्यादा अच्छा ग्लो देता है। इसमें भी थोड़ा सा विटामिन सी भी होता है जो आपके कोलेजन जी स्किन का जो होता है उसको इम्प्रूव करता है जी। और इसका सही समय क्या होता है, क्योंकि कहते हैं कि हर एक चीज जो सही उसके समय पर ली जाए यानी कि एक्चुअल टाइम पीरियड में तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती है, तो क्या गाजर का जूस मॉर्निंग में ज्यादा लेना जरूरी है, आफ्टरनून में ले सकते हैं? गाजर का जूस तो आप दिन में किसी भी समय, बट खाली पेट होना चाहिए, मतलब खाने से एक दो घंटा पहले आप खाली पेट गाजर का जूस लें। शाम के समय भी आप ले सकते हैं गाजर का जूस, बट रात को नहीं लेंगे, गाजर का जूस थोड़ा सा ठंडा होता है जी। तो शाम रात के समय आप गाजर का जूस ना लें, दिन में दोपहर तक आप किसी भी टाइम पे गाजर का जूस ले सकते हैं। और डेली या फिर मिनिमम आपको कितनी बार लेना चाहिए? हफ्ते में कम से कम 4 दिन तो आप ये गाजर चुकंदर का जूस जरूर लीजिए, तभी आप इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स का फायदा उठा सकते हैं।
जी अगला जूस कौन सा बताएंगे डॉक्टर आशी? अगले जूस की हम बात करते हैं तो आंवला, जो आजकल सर्दियों में बहुत ज्यादा पाया जाता है, उसकी हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। आंवला विटामिन सी इतना ज्यादा होता है इसके अंदर कि जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट है, अगर आप एक से दो आंवले का जूस सुबह सुबह निकाल के पी लें, थोड़ा सा शहद मिला लें उसके अंदर कसैलापन उसका दूर करने के लिए, खटास दूर करने के लिए, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर, मतलब कि जो आपके जोड़ों का दर्द है इसको बहुत अच्छी तरह से हील करता है ये आपको। दूसरा एस्थमा ब्रोंकाइटिस के जिन पेशेंट्स को कंप्लेन है, रोज सुबह आंवले का जूस शहद के साथ में उनकी बीमारियां दूर हो जाती हैं। कोल्ड एंड कफ विंटर्स में नहीं होगा, बच्चों के लिए बड़ों के लिए सबके लिए लाभदायक है। स्किन को इतना बढ़िया ग्लो देता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है जो आपको एजिंग प्रोसेस को पीछे कर देती है, आपके जो सेल में डैमेज सेल्स हैं कैंसर की कंडीशन में भी आंवले का जूस बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। आपके स्किन को, आपके हेयर को हेल्दी बनाने के लिए, चमकदार बनाने के लिए आंवले का जूस बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आज लाइफस्टाइल में हम बात कर रहे हैं जूसेस से आप अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं, और डॉक्टर राशि बनी हमारे साथ स्टूडियो में बता रहे हैं तमाम हेल्थ बेनिफिट्स आपको अलग अलग फ्रूट्स के और उनके उनसे जुड़े जूसेस के। और एक दर्शक है इस बीच, पहले उनका सवाल ले लेते हैं फिर आपको बताएंगे और ऐसे कौन कौन से जूसेस हैं जो आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। सोनाली है कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर। सोनाली बताएं क्या सवाल है आपका। सोनाली अगर आवाज मिल रही है तो अपना सवाल करें। अगले जूस की बात कर लेते हैं डॉक्टर आश्री, अगला जूस कौन सा बताएंगे आप? अगले जूस की हम बात करें तो आजकल 12 महीने वैसे ही आता है एप्पल, एक बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके अंदर, तो हम एप्पल के जूस की बात कर लेते हैं। एप्पल जो होता है, जैसे हमने देखा है कि सब पेरेंट्स कहते हैं एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, एप्पल्स में ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसके अंदर विटामिन ए कंटेंट और आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो ग्रीन एप्पल का जूस ले सकते हैं, जैसे उनके लिए कई कई कुछ कुछ ही जूसेज हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स ले सकते हैं। तो ग्रीन एप्पल का जूस जो है उसमें शुगर लेडन कंटेंट्स बहुत कम होते हैं, तो ग्रीन एप्पल का जूस डायबिटिक पेशेंट्स आराम से ले सकते हैं। दूसरा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो जो आपकी जोड़ों का दर्द है एप्पल के जूस का सेवन करने से उनमें भी काफी ज्यादा हद तक लाभदायक साबित होता है। आपकी स्किन को और आईज हेल्थ को एप्पल का जूस जो है वो काफी हद तक इम्प्रूव करता है। इसमें विटामिन ए कंटेंट और विटामिन सी कंटेंट भी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो जो आपकी कॉन्स्टिपेशन की जो दिक्कत रहती है लोगों को, एप्पल के जूस के सेवन से दिन में दो बारी अगर आप एक एक एप्पल का जूस का सेवन करें, साथ में थोड़ा सा गाजर का जूस मिला लें, तो जो आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो भी काफी हद तक दूर हो जाती है। जी, और आखिरी जूस एक हमने अक्सर सुना है लेमन जूस भी काफी बेनिफिशियल होता है, इसके और क्या क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे इसको ले सकते हैं? बिल्कुल, लेमन जैसे हम देखते हैं लेमन सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियल होता है वो होता है वेट लॉस में और कोल्ड एंड कफ को ठीक करने के लिए। तो अगर हम सुबह सुबह एक या दो लेमन का रस निकाल के उसको ल्यूक वार्म वाटर में, हल्की गुनगुने पानी में अगर सुबह सुबह लेते हैं तो वो फैट को बर्न करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है और आपको वेट लॉस में काफी हद तक हेल्प करता है अलॉन्ग विद योर डाइट। दूसरा जो इसका बेनिफिट है, इसमें विटामिन सी कंटेंट एस्कॉर्बिक एसिड इतना ज्यादा होता है कि जो आपको कॉमन कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम्स हैं, जो लंग प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी, उनको ठीक करने में। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो जो आपका इंटेस्टाइन का जो बैक्टीरिया होता है उसको बहुत ज्यादा अच्छी तरह से ग्रो करता है, जैसे कि आपकी जो कई रसायन होते हैं जो डाइजेशन के लिए चाहिए होते हैं उनको इम्प्रूव करने में बहुत ज्यादा हद तक आपका हेल्प करता है। जी, तो ये तमाम बेनिफिट्स हमने समझे और किस तरह से आप इन जूसेस को अपने लिए अपनी डेली रूटीन में आजमा सकते हैं और अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। डॉक्टर आशी आपने खास जानकारी दी हमें, शुक्रिया आपका, थैंक यू। और लाइफस्टाइल में आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।